Dear students, today again we will learn some advanced level words, and these words are frequently asked in various competitive examinations. And also these words are highly useful for advanced learners and standard writing like the Hindu and other standard books generally use these words very frequently. The first important word is blaspheme. Look at the word blaspheme. Blaspheme means to speak against God or religion. The basic meaning is to talk about God or religion in a way that shows lack of respect. It means to speak ill of God or of a religion. यानी ईश्वर या जो ईश्वर के लिए जो पूज्य वस्तुएं हैं उनकी निंदा करना, उनकी बुराई करना. Basically it's a verb and look at its spelling also. BLASPHEME, blaspheme, blaspheme. इट्स ए वर्ब. सो जब भी हम किसी ईश्वर गॉड के खिलाफ बोलते हैं या किसी रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं तो हम लोग इसके लिए ब्लैस्फेम का यूज करते हैं. इसका नाउन और एडजेक्टिव और है जो भी मैं आपको बताता हूँ. सेंटेंस देखिए, आई वॉज शॉक्ड दैट समवन वुड ब्लैस्फेम अगेंस्ट गॉड. यानी मुझे बड़ा शॉक्ड रह गया जब किसी ने भगवान के खिलाफ कुछ बोला. यानी टू स्पीक इल ऑफ गॉड और ए रिलीजन. नेक्स्ट, द रिलीजियस लीडर्स चार्ज दैट द बुक ब्लैस्फेम्ड हिंदू रिलीजन. कि बुक में जो लीडर है रिलीजियस, जो धार्मिक नेता है, उसने आरोप लगाया कि इस बुक ने हिंदू रिलीजन के खिलाफ बोला है और ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ है. आइए इसका एडजेक्टिव बना ब्लैस्फेमस. ब्लैस्फेमस मींस यहां पर इंस्टेड ऑफ ई इट हैज बीन चेंज इनटू ओयू, इट मींस शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन. जिसे कहते हैं धर्म निंदक, किसी धर्म के खिलाफ बोलना. क्लियर? सो इट इज यू नो शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन. सेंटेंस में देखिए, सम पीपल डिस्क्राइब द फिल्म Oh my God, एक मूवी है means OMG as blasphemous. कि कुछ लोग मूवी जो blasphemous है उसको एक तरीके से कहना चाहिए कि धर्म की बुराई करने वाला मानते हैं. अभी हाल ही में SSC में चार बार एक शब्द पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के पार्ट के अंदर, और वह शब्द था blaspheme, BLASPHEME. दिस इज ए बेसिकली नाउन. ये नाउन है, ये SSC में पूछा गया और इसका मीनिंग दिया हुआ था वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड. नेक्स्ट था एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिलेवेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, की जो पवित्र वस्तुएं हैं उनके बारे में उठपटांग बातें करना, या जो भगवान है उनके बारे में अधार्मिक इम्पायसली कुछ ना कुछ अटर करना, कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ कहना. तो जो शब्द पूछा गया था वह था ब्लास्फेमी. ये पूछा गया था, ये इसका एडजेक्टिव है और इसके पहले इसका नाउन था. आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, और ये कॉन्वेलेस, बेसिकली ए वर्ब है. व्हेन समबडी फॉल्स इल एंड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम ही गेट्स वेल, मीन्स ही इज रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस. क्लियर? सो दैट process is called convalesce, means to take rest in order to get better after an illness or operation or injury. कि किसी भी चोट के बाद, किसी भी बीमारी के operation के बाद या किसी बीमारी के बाद आदमी उस बीमारी से जो recover करता है, उसे लाभ प्राप्त जो करता है, that is convalesce, recuperate. means बीमारी उपरांत स्वास्थ्य लाभ हेतु आराम करना. ये SSC में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड पूछा गया था, इट वॉज बेसिकली ए नाउन एंड इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ऑल्सो नाउन एज वेल एज एन एडजेक्टिव. ये था कॉन्वेलेसेंट. और एक शब्द और है जो नाउन के रूप में यूज होता है, दैट इज कॉन्वेलेसेंस. मीन्स इन स्टेड ऑफ दिस SC इट इज रिटन SCENCE और बाकी हुई है. This is noun, clear? This is verb, and this is noun as well as adjective. SSC में पूछा गया था, a man
हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कोई व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो रहा है. सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स. वन इज convalesce, दिस इज verb. Convalesce, दिस इज verb. Convalescence means SENC लास्ट में जोड़ दिया, यानी CONVALE. Convalescence, दिस इज noun. Unconvalescent, दिस इज noun एज वेल एज एडजेक्टिव. ओके, सो ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस. सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर एडवाइज मी दैट आई शुड कॉन्वेलेस एटलीस्ट फॉर ए वीक आफ्टर ऑपरेशन. किस ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम एक सप्ताह आराम करना है ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो सके, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके. नेक्स्ट, आफ्टर सर्जरी यू विल नीड टू कॉन्वेलेस फॉर 1 month. किस सर्जरी के बाद, यानी इस ऑपरेशन के बाद आपको 1 महीने कॉन्वेलेस करना होगा, यानी उस बीमारी से रिकवर होने के लिए स्वास्थ्य लाभ करना होगा, आपको आराम करना होगा. नेक्स्ट, व्हाइल आई वाज कॉन्वेलेसिंग आफ्टर सर्जरी, जब मैं सर्जरी के बाद उस सर्जरी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था, उसके बाद आराम कर रहा था ताकि मैं जल्दी ठीक हो सकूं, आई मैनेज्ड टू रीड द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद. कि उस दरमियान मैंने स्वामी विवेकानंद की जो भी बुक्स थी, जो भी कंप्लीट वर्क उन्होंने किया है, एक 8 बुक्स का कंप्लीट एक यू नो पैकेज है, उनको कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन 8 बुक्स के पैक को, तो वो पूरा का पूरा मैंने पढ़ा. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप दोबारा इन सभी शब्दों को देखिए. दिस इज बेसिकली ए वर्ब, कॉन्वेलेस. स्पेलिंग देखिए, CONVALESCE, कॉन्वेलेस. इसका नाउन बनता है CONVALESCENCE. दिस इज नाउन, कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस. दिस इज नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव, मीन्स कैन बी यूज नाउन एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव. कॉन्वेलेसेंट, सो एज ए नाउन ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस. ओके, सो एक बहुत एडवांस लेवल वर्ड, और SSC में दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन आस्क्ड 4 times इन 15 years, फ्रॉम 2003 to 2018. सो रिमेंबर, आई हैव कंपाइल्ड ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स विच आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली आस्क्ड यू नो इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन ए बुक नॉन एज हाई लेवल वर्केबल. This book contains almost 2,000 words alphabetically, and these words are very frequently asked in various competitive examinations in the part of antonym, synonym, and one word substitutes. And all these words which I am teaching you right now have already been asked in the part of one word substitute. Okay. Next important word is embezzle. Basically, this is related with some finance, paise se related. It means to take money fraudulently that you have been trusted with. Suppose you are working in a bank as a cashier. It means people or the bank trusted on you that you will manage the whole cash well. पर आप किसी कारण से उस पैसे में से कुछ पैसा आप धीरे धीरे निकालते रहते हैं, तो आप उस पैसे को चुरा रहे हैं, तो आप embezzle कर रहे हैं. Embezzle ये verb है, clear है? यानी किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, आपके हाथ में कैश है, आप धोखे से फ्रॉडुलेंटली उनमें से कुछ पैसा चुरा कर अपने पर्सनल काम में लगा रहे हैं. सेंटेंस देखिए, द बैंक मैनेजर एम्बेजल्ड लेक्स ऑफ रूपीज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ हिज बैंक. कि एक बैंक मैनेजर ने उनके जो कस्टमर के अकाउंट है, कस्टमर विश्वास करता है बैंक में पैसा जमा करता है, विश्वास करके उनके अकाउंट से बैंक मैनेजर ने लाखों रुपए का घपला कर लिया. जिसे कहते हैं पैसे का घपला करना, तो एम्बेजल करना मींस किसी और का पैसा चोरी से, धोखे से निकाल लेना, अपने काम में ले लेना, दैट इज एम्बेजल. ठीक. नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही वॉज कॉट एम्बेजलिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फंड्स. कि जो पब्लिक का फंड था, उस फंड में से पैसे को चुराते हुए, फ्रॉडुलेंटली धोखे से उस पैसे में कुछ गफला करते हुए उसको पकड़ा गया. एसएससी में इस एम्बेजल से बनने वाला शब्द एम्बेजलमेंट,
And this particular part I have already taught you in grammar, that if we add ment in various verbs, then that particular word becomes noun. For example, arrange, it will become arrangement. Achieve, it will become achievement. Clear? So these all are nouns. So from embezzle, you can form embezzlement by adding a suffix ment in this particular verb. It is embezzlement. And this word has been asked 4 times in the last 15 years in SSC. And also it has been asked in bank, SSC, CDS, and in other several examinations. Yeah. And you know, newspapers very frequently use this particular word, this word in the part of, you know, financial related, with the news related to some finance. Okay. Its meaning is an act of misappropriation of money. Yani kisi dusre ke fund ka durupyog karna. Durupyog karna. So an act of misappropriation of money. कि कोई दूसरे का पैसा है, आप धोखाधड़ी से उस पैसे को अपने काम में ले लेते हैं, तो आप पैसे का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एंड लास्ट इज हिपोक्रेट. आजकल आपको ज्यादातर लोग हिपोक्रेट ही मिलेंगे, ऐसे लोग जो बातें तो बड़ी बड़ी सिद्धांतवादी करते हैं पर हकीकत में वो होते बहुत बदमाश है. क्लियर? यानी मॉरलिटी की बात करते हैं बट इन फैक्ट दे आर यू नो बिग लायर, झूठ बोलने वाले, फ्रॉड करने वाले. तो दिखने में कुछ और हकीकत में कुछ और. इसे हिंदी में कहते हैं पाखंडी, ढोंगी, जो छल करता है छली. दैट इज हिपोक्रेट. लुक एट इट्स प्रोनंसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्पेलिंग HYPOCRITE. सम पीपल प्रोनाउंस इट हाइपोक्राइट और सम बोलते हाइपोक्रेट. इट्स नॉट हाइपोक्रेट and neither it is hypocrite, it is hypocrite, hypocrite. This O is pronounced as swa. A means A ke roop mein hota, hypocrite. So it's not hypocrite, not hypocrite, not hypocrite. It's hypocrite, means aisa vyakti jo pakhandi hai. Clear? Meaning is a person who claims to have certain moral principles or beliefs that they do not actually have. There are thousands of people. I had bitter experience with some people. They always talks a lot about morality, but in their real life they have some seamy side. उनके खुद के जीवन की कुछ ऐसी गंदगियां होती हैं, यानी वो पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, बात तो बड़े बड़े सिद्धांत वाली करते हैं, सिद्धांतों की करते हैं. क्लियर? पर वो सिद्धांत विहीन होते हैं. क्लियर? सो ऐसा व्यक्ति जो दावा तो करते हैं वो बहुत ही सिद्धांतवादी मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मॉरल बिलीफ्स की बात करते हैं, पर हकीकत में उनमें वो मॉरल प्रिंसिपल्स और मॉरल बिलीफ्स होते ही नहीं है. क्या होते हैं उन लोग? पाखंडी. ठीक, आइए सेंटेंस देखिए. ही इज ए हिपोक्रेट टू टेल अस नॉट टू लाई, ही लाइज हिमसेल्फ. वो दूसरों से तो कहता है झूठ मत बोलो, पर वो खुद झूठ बोलता है, ही लाइज हिमसेल्फ. ओके, नेक्स्ट. शी इज ए लायर. लायर का मतलब झूठा है. लाई यानी झूठ बोलना, एल आई, लाई. क्लियर? सो शी इज ए लायर एंड हिपोक्रेट हू मैरिड ए वेरी ओल्ड मैन जस्ट फॉर मनी. कि वो जो लड़की है बहुत झूठी है, पाखंडी है, ढोंगी है, और सिर्फ पैसे के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से शादी की है. सिर्फ पैसे के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से शादी की है. सो मीन्स शी इज ए हिपोक्रेट. हिपोक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. Its noun is hypocrisy or hypocrisy. Both are correct. Hypocrisy. Now, Sadguru ka dikhawa pakhand dhong. I condemn the hypocrisy of the politicians who do one thing and say another. Main un politicians ki hypocrisy ko ninda karta hun. Condemn ko ninda karna. Jo kehte kuch hai aur karte kuch hai. Okay? ऐसा समय हिपोक्रेट शब्द 4 बार पूछा गया है 15 साल. ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही एजेंट, यानी वो ऐसा दिखावा करता, नाटक करता, प्रिटेंड करता, बहाना करता है कुछ और होने का, जबकि होता कुछ वो और है. सो दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर्स में और
एडवांस लेवल राइटिंग्स में काफी यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल कहते हैं ना अविश्वसनीय. इनक्रेडिबल इंडिया, यू माइट हैव हर्ड दिस एड, दे शो सम यू नो मार्वेलस स्टुपेंडस स्टैगरिंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड से ऑल दीज प्लेसेस आर इनक्रेडिबल, यानी अविश्वसनीय, इतना सुंदर है, यानी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आश्चर्यजनक है, और उसे विश्वास करना मुश्किल है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि विश्वास करना मुश्किल हो जाए. सो आई हैव गिवन हियर टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, दैट इज अविश्वसनीय. लेट अस सी वन एग्जांपल. इट इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी, नॉट ए वर्ड ऑफ इट इज ट्रू, कि एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है, इसका एक भी शब्द सही नहीं. नेक्स्ट, इट सीम्स इनक्रेडिबल दैट पीपल वॉन्ट टू गो टू थिएटर्स टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग द वॉर, कि अविश्वसनीय लगता है, अविश्वसनीय लगता है कि युद्ध के दरमियान लोग पिक्चर देखने जाना चाहते हैं. नेक्स्ट, द न्यू मिसाइल कैन बी फायर्ड विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी, कि जो नई मिसाइल है वो इस तरीके से चलाई जा सकती है, उसकी इतनी एक्यूरेसी है जो अविश्वसनीय है उसकी एक्यूरेसी, लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ऐसी है. So that is incredible accuracy. Okay. Next is extremely good. बहुत अच्छा, आश्चर्यजनक, जैसे कि it was an incredible performance by the actor, by the actress. कि उस एक्ट्रेस द्वारा ये बहुत ही अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस था. तो incredible performance. Next is he had no formal education. But he has incredible communication skills. कि उसकी कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन जो उसकी बातचीत की जो कला है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत शानदार, बहुत अच्छी है, अविश्वसनीय है. लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जिसने फॉर्मल एजुकेशन ली ही नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन मीन्स ही नेवर वेंट टू ए स्कूल फॉर एजुकेशन. बाकी तो ठीक है, एजुकेशन तो जिंदगी में हर कदम कदम पर हमको कुछ ना कुछ शिक्षा सीखने को मिलती है, लेकिन उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बातचीत का जो तरीका है, दैट इज इनक्रेडिबल. ये इनक्रेडिबल शब्द एसएससी में पिछले 15 साल में 4 बार पूछा गया है. क्लियर? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मीनिंग दिया हुआ दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू एवरी डे सम एडवांस लेवल वर्ड्स. Don't think that you don't know these words. But if you want to pass some examinations like SSC, CDS, NDA, Bank PO, CAT, CLAT, or if you want to enhance and improve your communication skill, you want to improve your advanced level vocabulary, then all these words will be highly useful for all of you. And such type of words are frequently asked in the part of antonym, synonym, and also in one word substitutes. All these words have been already asked in SSC in the part of one word substitutes. I have analyzed or studied several previous papers of various competitive examinations, and based on my analysis I have found that there are almost 2000 words which are frequently and repeatedly asked in various competitive examinations, and I have compiled all these 2000 words alphabetically in this particular book, high level vocabulary. So if you want to improve your vocabulary for your antonym, synonym and one word substitute, you must read this book. And also you can watch our videos, subscribe our YouTube channel, press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload the new video. Okay, thank you very much. Have a nice day.